तो वैश्विक महामारी कोरोना के चलते बिगड़ती अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए सोमवार से प्रदेश में मॉडिफाइड लॉकडाउन लागू हो गया है। प्रदेश के हॉटस्पॉट इलाकों और कर्फ्यू ग्रस्त इलाकों को छोड़कर औद्योगिक इकाइयों, सरकारी कार्यालयों, प्राइवेट कंपनियों और फैक्ट्रियों में सशर्त संचालन शुरू हो गया है। सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखते हुए काम शुरू किया गया है। प्रदेश सरकार ने संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए मास्क लगाना भी अनिवार्य कर दिया है। वहीं उद्योग विभाग के अधिकारी भी लगातार इसकी मॉनिटरिंग कर हालातों का जायजा लिया जा रहा है। देशभर में लागू लॉकडाउन के करीब एक महीने के बाद आज से मॉडिफाइड लॉकडाउन लागू किया गया है प्रदेश में। और जरूरी कामकाज के लिए जो सरकारी दफ्तर हैं वो खुले हैं और सरकारी दफ्तरों में बैठकर जो अधिकारी जरूरी कामकाज है उनको निपटा रहे हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ उद्योग भवन में, जो तमाम अधिकारी उद्योग भवन पहुँचे हैं और पूरी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, क्योंकि मॉडिफाइड लॉकडाउन के तहत जो औद्योगिक है कुछ इकाइयाँ उनको कुछ शर्तों के साथ आज से काम शुरू करने की इजाज़त दी गई है। उनकी मॉनिटरिंग यहाँ से उद्योग विभाग के अधिकारी कर रहे हैं कि उनकी पूरी पालना की जा रही है या नहीं की जा रही है, और तमाम जो जरूरी कामकाज है उनको निपटाया जा रहा है, क्योंकि आर्थिक स्थिति को देखते हुए ये मॉडिफाइड लॉकडाउन लागू किया गया है 20 अप्रैल से। इसके तहत कुछ शर्तों के आधार पर छूट दी गई है जिसके तहत कामकाज किया जा रहा है। सरकारी विभाग, जितने भी सरकारी विभाग हैं उनमें अधिकारी और कर्मचारी बैठकर जरूरी कामकाज को निपटा रहे हैं। और साथ ही जो उद्योग विभाग की बात करें तो जो अधिकारी हैं, क्योंकि जो आर्थिक स्थिति है उसको गति देने के लिए औद्योगिक इकाइयों को आज से छूट दी गई है कि वो सोशल डिस्टेंसिंग की पालना के तहत काम शुरू करें ताकि आर्थिक स्थिति भी मजबूत हो। उसी को देखते हुए उद्योग विभाग के अधिकारी यहाँ से मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि किस प्रकार से औद्योगिक इकाइयाँ काम कर रही है और सोशल डिस्टेंसिंग की पूरी पालना हो रही या नहीं हो रही है। हालांकि कहीं ना कहीं एक चिंता का सबब भी बना हुआ है कि कहीं ना कहीं इस मॉडिफाइड लॉकडाउन के चलते कहीं कोई लापरवाही नहीं हो और कोई कोरोना जो वायरस का संक्रमण है वो कहीं ना कहीं पैर नहीं पसारे। कैमरा पर्सन नेमी पांचाल के साथ नरू का MTV जयपुर।